subscribe the Technodi channel and hit the bell icon so you never miss the upcoming updates. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेनड्राइव के थ्रू बायोमेट्रिक अटेंडेंस की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। सो पेनड्राइव के थ्रू रिपोर्ट निकालने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी बायोमेट्रिक लैन, वाईफाई या यूएसबी किसी भी मीडियम से डिवाइस हमारी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड ना हो। उस केस में हम बायोमेट्रिक में एक पेनड्राइव लगाते हैं और मशीन के अंदर से मशीन का लॉग डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो लॉग होता है ये यूजुअली टेक्स्ट फाइल में होता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरी पेनड्राइव के अंदर ये फाइल है जो मैंने पेनड्राइव से डाउनलोड किया हुआ है। ये पूरा TXT फाइल है जो मैं नोटपैड में ओपन कर सकता हूँ, लेकिन ये चूंकि सीक्वेंस में नहीं होता है तो हम डायरेक्टली इससे अटेंडेंस का रिपोर्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस फाइल के थ्रू अटेंडेंस की रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करनी होती है। हम देखेंगे कि ये फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करके हम अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस फाइल को जो AGL फाइल है या लॉग फाइल हम बोल सकते हैं, उस फाइल को सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करने के लिए हमें जाना होगा डेटा कन्वर्टर में, उसके बाद USB कन्वर्टर के बाद यहाँ से हम बायोमेट्रिक का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की है ये फाइल मेरी है RS20 वाली मशीन से। जैसे ही हम मशीन का मॉडल सेलेक्ट करेंगे यहाँ हमें मशीन की पिक्चर दिख जाती है, डेट सेलेक्ट कर लेंगे कब से कब की हमें अटेंडेंस निकालनी है या कब से कब की हमें लॉग फाइल अपडेट करनी है, डेट सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल में जाकर के हमें वो पेनड्राइव की TXT फाइल सेलेक्ट करनी है जो भी आपने पेनड्राइव में डाउनलोड की है। तो ये AG log नाम से TXT फाइल है, इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा पूरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये पूरी फाइल अपलोड हो जाने के बाद हमें इसको सेव करना है, सेव करके ओके करके क्लोज कर देना है। अब हमारी मशीन का पंचिंग डेटा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट निकालने के लिए हमें सेम पुराना ही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हमें जनरेट शिफ्ट करना है। जैसे कि पहले ही रिपोर्ट प्रोसेस में बताया जा चुका है कि जनरेट शिफ्ट हमारा मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, मंथ में एक बार करना है, बाकी ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू डू कर सकते हैं, नहीं तो इफ़ यू डोंट वांट यू कैन इग्नोर इट। तो अभी हमने डेटा कन्वर्ट कर लिया है, जनरेट शिफ्ट कर लिया है, अगला टास्क जो है हमारा वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो अभी हम सिर्फ डेट सेलेक्ट करेंगे कब से कब का डेटा हमें लेना है, वो डेट सेलेक्ट करके हम सिर्फ प्रोसेस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही ये डेटा हमारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम रिपोर्ट निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं प्रोसेसिंग के साथ ही हमारा डैशबोर्ड अपडेट हो चुका है। दैट मीन्स कि जितने भी हमने लॉग्स बायोमेट्रिक से लिए हैं उनको हमने सॉफ्टवेयर में अपडेट करके जैसे ही प्रोसेस किया है वो अटेंडेंस में आ चुका है। अब हम सबसे पहले डेली रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। डेली रिपोर्ट में हम आज परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं आज की डेट का। परफॉर्मेंस में जैसे कि देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, इसमें जैसे देख सकते हैं स्टार्ट टाइम, ये हमारा शिफ्ट का स्टार्ट टाइम है, ये हमारा शिफ्ट का नेम है, फिर अराइवल टाइम, आने का टाइम कितने बजे का है, लेट आवर्स, कितना लेट आए हैं। लेट आवर्स हमारा काउंट होता है जो भी हमारा शिफ्ट का स्टार्ट टाइमिंग है उसके हिसाब से, जो हमारा अराइवल टाइम है उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा लेट आवर्स होता है। डिपार्चर टाइम में हमारा दिखेगा आउट का पंच कितने बजे हुआ है। अर्ली आवर्स में हमें दिखता है कि जो भी हमारा शिफ्ट का एंड टाइम है उससे कितना पहले हमने आउट का पंच किया है या डिपार्चर का पंच किया है। इसी के हिसाब से हमारा टोटल काउंट होकर टोटल वर्किंग आवर आता है, ओवर टाइम और स्टेटस आता है। जहाँ कहीं भी जैसे देख सकते हैं मिस पंच दिखा रहा है, ये मिस पंच का मतलब है कि आउट का पंच अभी मिसिंग है। जैसे ही यहाँ आउट का पंच हो जाएगा ये मिस पंच यहाँ से हट जाएगा। अब हमने डेटा अपडेट कर दिया है, तो चाहे हम डेली रिपोर्ट देखें चाहे मंथली रिपोर्ट देखें, कोई भी रिपोर्ट देखेंगे हमें सेम तरीके से ही आना है। डेटा हमारा सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुका है तो डेली, वीकली, मंथली कोई भी रिपोर्ट हम निकाल के देख सकते हैं। अभी पुराना कोई डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ आज का ही डेटा अवेलेबल है। फिर से अगर हमें रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ से एक्सेल, PDF या वर्ड किसी में भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, या हमें डायरेक्ट प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हमने देख लिया है कि पेनड्राइव के थ्रू हम रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं जब हमारी डिवाइस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड ना हो।
Please consider subscribing our channel for more upcoming updates.